हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंदीप सोम किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरे चने की रेसिपी, जिसको छोलिया भी कहा जाता है। पनीर और आलू डाल के बनाऊंगी। लंच या डिनर किसी भी टाइम आप बना सकते हैं, गेस्ट आए तो भी बना सकते हैं। चलिए ये हमारी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं बनाऊंगी छोलिया। छोलिया किसे कहते हैं? ग्रीन वाले छोले, ये देखिए, ये छोलिया कहते हैं इसको पंजाबी में। इसको क्या कह सकते हैं मुझे नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि इसका और क्या नाम है। ग्रीन वाले चने हैं ये, यही चने सूख के बाद में काले हो जाते हैं। आज मैं इस चने की सब्जी बनाऊंगी, साथ में डालूंगी आलू और पनीर। आप सिर्फ आलू डाल के भी बना सकते हैं छोले आलू की सब्जी में, पनीर भी बहुत यम्मी लगता है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, पंजाबी स्टाइल बनाऊंगी। अदरक और लहसुन ले लिया है ग्रेट करके, दो प्याज ग्रेट कर लिए हैं, तीन बड़े बड़े टमाटर मैंने ग्रेट कर लिए, और एक हरी मिर्ची टमाटर में ही काट ली है। कुकिंग ऑयल ले लिया है, जीरा, साबुत लाल मिर्ची को बारीक काट लिया है, लाल मिर्ची, हल्दी और नमक, थोड़ा धनिया गार्निश के लिए। कुकर मैंने रख दिया है, रिफाइंड ऑयल डालूंगी। यहाँ पे आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। एक से डेढ़ कड़छी मैं डाल रही हूँ। रिफाइंड हल्का गर्म हुआ जीरा डाल दिया, जीरा स्प्लिटर होना शुरू हो गया है। लाल मिर्ची जो साबुत है, एक लाल मिर्ची के करीब काट के डाल देंगे। साथ में ही डालेंगे अदरक लहसुन जो कद्दूकस किया था, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। साथ में डाल देंगे प्याज ग्रेट किए हुए, आप मिक्सी में भी प्याज प्यूरी बना के यूज़ कर सकते हैं। इनको पिंक होने तक पकाते हैं। प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया, अगर आपको जल्दी है कि प्याज जल्दी लाल हो जाए तो हम नमक इसमें पहले ऐड कर देंगे टू टेस्ट। अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिए और इनको पकने दीजिए। नमक डालने से क्या होगा, प्याज अपना पानी जल्दी रिलीज कर देंगे और जल्दी से लाल हो जाएंगे, कुछ टाइम हमारा सेव हो जाता है। देखिए प्याज पिंक पिंक हो गए हैं, बहुत अच्छे से पक गए हैं। अगर पंजाबी खाने को समझना है तो प्याज टमाटर के तड़के को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली प्याज भूनने बहुत ज़रूरी हैं। एक ये समझ आ जाए कि प्याज किस लेवल तक भूनने चाहिए तो आपकी सब्जी हमेशा बहुत यम्मी बनेगी। और इस तड़के को समझने के बाद कोई भी सब्जी आप बहुत ही आसानी से और बहुत यम्मी बना सकते हैं। मसाले ऐड करते हैं इसमें। 1/3 स्पून हल्दी डाल दी मैंने, लाल मिर्ची डालूंगी कुटी हुई 1 चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। स्पून मेरा बहुत बड़ा नहीं है ये। थोड़ी सी क्रश ब्लैक पेपर और टमाटोज ऐड करूंगी, टमाटो प्यूरी यूज कर सकते हैं, फ्रेश टमाटो की मैंने ग्रेट की है टमाटोज। हल्का सा पानी डाला है इसमें, इसको ढक के थोड़ा पका लेते हैं और तड़के को अच्छे से भून लेंगे। तो चलिए ढक्कन हटाते हैं। कुकर का ढक्कन मैंने बंद नहीं किया था, सिर्फ ऊपर से लगा दिया था। मसाले को भी अच्छे से भूनेंगे। देखिए ऑयल दिख रहा है आपको, अभी इसमें पानी मिक्स है, अभी पानी पूरा सूखा नहीं है। गैस मीडियम फ्लेम पे थी, गैस को फुल फ्लेम पे करूंगी। कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी और अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया, ऑयल पूरी तरह से रिलीज हो गया है, ये देखिए ध्यान से। इस कंडीशन पे अब हम डालेंगे छोलिया और आलू। शायद मैंने आपको नहीं बताया थे कितने लेने हैं, ये 250 ग्राम छोलिया के दाने हैं और 4 आलू इसमें बड़े साइज के मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं, वो डाल के इनको अच्छे से मिक्स करके एक बार भुनेंगे। डाल के मैंने अच्छे से भून लिया, जो भी उसमें थोड़ा बहुत उनमें पानी और मॉइस्चर था धोने के बाद वो सब सूख गया है। थोड़ी सी क्रश ब्लैक पेपर मैं और डालूंगी, कूट ली है मैंने साबुत काली मिर्ची। और अब इसमें ऐड करते हैं पानी, 1 कप भर के बड़ा पानी का डाल दिया मैंने। देखिए बिल्कुल डूब गई है इसमें सब्जी, 1 से 1.5 कप पानी मैंने डाला है। यहाँ पे ढक्कन लगा के तेज गैस पे 1 सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे अच्छे से। ढक्कन लगा दिया है मैंने फुल फ्लेम पे, अभी कुकर है, 1 विसल आने के बाद मैं गैस मीडियम कर दूंगी और 10 मिनट तक
पकाऊंगी, उसमें विसल भी आ सकती है। एक्चुअली कुकर सबका अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से ध्यान दीजिए बनाने में। एक विसल आने के बाद मीडियम करें और 10 मिनट बाद ज़रूर चेक कर लें। सब्जी ये 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेती। एक सीटी आने के बाद मीडियम फ्लेम पे कर दिया था मैंने, 10 मिनट हो गए। चलिए पहले गैस इसकी बिल्कुल रिलीज हो गई है अपने से, उसके बाद ही कुकर खोलिए। ढक्कन खोल के देखते हैं। वाह, देखिए कितना सुंदर कलर आया है। बहुत सूखी सब्जी नहीं बनाई मैंने, ये थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है। आप देख सकते हैं इसमें आलू को करछी की बैक की मदद से मैश कर देंगे। जितना आप इसको और थिक करना चाहें आप आलू को मैश कर सकते हैं, लेकिन ये इतना सेमी ग्रेवी ही अच्छी लगती है। पनीर डाल दिया मैंने, अच्छे से इसको मिक्स करके सिर्फ एक उबाल देंगे, ताकि पानी जो पनीर में होता है वो भी आपस में इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। एक उबाल देने के बाद हमारी सब्जी तैयार है। हरा धनिया थोड़ा सा और डालूंगी, थोड़ा ज़्यादा ही हरा धनिया है, अच्छा लगता है। पंजाबी खाना हरा धनिया के बिना अधूरा। एक उबाल आ गया, गैस बंद करती हूँ और सर्व करती हूँ। तो देखिए तैयार है आज की मेरी रेसिपी, छोलिया आलू और पनीर। बहुत ही यमी रेसिपी बनके तैयार होती है। मैं इसे चपाती के साथ सर्व करने वाली हूँ। आप किसी भी तरह की चपाती या ब्रेड के साथ या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो मनदीप्स होम किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।